भावना बोझ। माय गुडनेस, चंद्रू माय फ्रेंड, कैसी है तू? अरे मैं तो सही हूँ, पर भावना थारी तो जॉब लगी हुई थी ना पास के शहर में, तू यहाँ क्या कर रही? अरे यार तुझे तो पता ही है मैं बैंक जॉब में हूँ, तो क्या है कि मेरे बैंक ने ट्रांसफर कर दिया इस शहर में, लपकते झपकते। अच्छा, अरे वाह, यो तो बड़ी अच्छी बात हो गई। पर यहाँ तो आसपास कोई बैंक है ना? कहीं तू चौकी तो ना आ रही थी, कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो ना होगी? नहीं नहीं यार, तेरे रहता कैसे प्रॉब्लम हो? एक्चुअली क्या है कि मैं ना डांस क्लासेस से आ रही हूँ लपकते झपकते, हर रोज 2 घंटे डांस करती हूँ चंद्रू। डांस क्लास? यार भावना, ना थारी तो जॉब बैंक की जॉब है, फिर 2 घंटे की डांस क्लास कैसे, मतलब टाइम कहाँ से निकाल लेवे तू? ये तूने ठीक पूछा चंद्रू, क्या है ना यार, जॉब अब तो हम अपना घर चलाने के लिए करते हैं, लेकिन इंसान के मन में अगर कोई दबी हुई कला हो तो उसे बाहर जरूर निकालना चाहिए, वरना उस कला का गला दब जाता है लपकते झपकते। है कि नहीं? अरे याद आया चंद्रू, तेरे अंदर भी तो एक दबी हुई कला थी कॉलेज टाइम में, जिसे तू निकालना चाहती थी बाहर, उसका क्या हुआ बॉस? हाँ, लपकते झपकते। अरे नहीं यार, पुलिस की जॉब इतनी डिमांडिंग है कि यार टाइम ही ना मिलता किसी चीज के लिए। पर तू सही कह रही है, तारे से मिलके मैं घनी इंस्पायर हो गई हूँ। नहीं यार, करना चाहिए, हॉबीज अपनी भी तो होती है ना, फिर कुछ इंडिविजुअलिटी। मैं अब अपनी अंदर की दबी हुई कला ने बाहर निकालूंगी। चल जा भागे। या इफ थारी पेंटिंग बनके रेडी से बोल तो दिखाऊं, हैं? ओके रेडी, 1 2 3 बोल बोल कैसी लगी? बढ़िया है। बस बस बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया है, है ना? यस, एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब कोई एकदम ऐसे देखेंगे ना अचानक से तो लगेगा भाई यो गोलू है और यो पेंटिंग। चल, थारे घर में जो एकदम गेट में घुसते ही मेन दीवार आवे है ना, उस पे बढ़िया वाली मोटी सी कील ठोक और यो पेंटिंग टांग दे। यो, मारी तरफ से तने गिफ्ट। ओ, तू भी के याद रखेगा कि मैडम ने इतना बढ़िया गिफ्ट दिया। एक मिनट, साइन कर दो। आहा, सीसी। यो ले। थैंक यू मैडम। हाँ भाई बॉयज, हाउ आर यू? क्या हो गया? टिरक के हेडलाइट की तरह से आंखें क्यों फाड़ रखी? कुछ नहीं मैडम, बस यही देख रहे हैं कि जिन हाथों ने आज तक सिर्फ बंदूक उठाई है, उन्होंने आज पेंटिंग का ब्रश उठाया हुआ है। जिन हाथों ने आज तक
मार मार के लोगों के थोबड़ों को बिगाड़ा है, वही हाथ आज ब्रश से लोगों के थोबड़े को बिगाड़ रहे हैं। हाय हाय शाबाश, व्हाट डू यू मीन बिगाड़ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मतलब के है कि मैं एक घटिया पैंट्री हूं मैं। एक मिनट, फ्रांसीसी का नाम सुना है? कैसे सुना होगा, बड़े आदमी का नाम, फेमस आदमी का, महान आदमी का नाम, थारे जैसे बेवकूफ ने कहां सुना होगा। फ्रांसीसी फ्रांस का एक बहुत बड़ा पेंटर सा है, बहुत मशहूर, बहुत काबिल, गुणवान। बचपन से उसकी पेंटिंग देख देख के मैंने प्रेरणा हासिल करी है और बचपन में खूब प्रैक्टिस करती थी मैं पत्थर पे और दीवारों पे, समझे कि नहीं, इसलिए आज मैं वैसी बन गई, इतनी अच्छी पेंट्री, और तू कह रहा हमारी पेंटिंग घटिया से। नहीं नहीं मॉम, इसके कहने का मतलब ये था कि अगर आप गोलू जैसे बेकार आदमी की पेंटिंग बनाएंगी तो ऐसी ही बनेगी। आप किसी हैंडसम, किसी हसीन की पेंटिंग कीजिए, रेडी इज द, लोग मुझे कहते हैं मैडी इज द। हाँ यही कह रहा था मैडम मैं, वरना मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप एक घटिया पेंटर हैं? मैं तो ये कभी भी नहीं कह सकता ना मैडम। वाह क्या बात, कमाल, देखिए किस तरह से मैडम ने पेंटिंग का ब्रश अपने हाथ में कैसे पकड़ा हुआ है, बिल्कुल चाकू की तरह। कोई काना भी ये देख के बता सकता है जिस अंदाज से मैडम ने पेंटिंग का ब्रश पकड़ा है कि मैडम के अंदर एक महान पेंटरनी छुपी हुई है। ये, 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 ये। चल कोई नहीं, बस कोई नहीं कोई नहीं, इतनी अब तुम्हारी तारीफ ना कर मैं एम्बेरस हो जाऊं, लेकिन बात थारी सही है, बात तो एकदम 100% सत्य बात कह दी तेने कि हमारे अंदर एक पैंट्री छुपी हुई है, और तो बचपन से छुपी थी लेकिन आज निकली है, और आज जो निकली तो कतई भगली है वो, इब रुकेगी ना पैंट्री। वेल गोप्स। हाँ जी जी मम्मी जी। तू हैंडसम सा? याओ। तू हसीन बांका सा? याओ। तो सही है, कल मैं थारी पेंटिंग बनाऊंगी। Hello boys, how are you? Obillu. Oh, Gopi, आज तो एकदम टाइम से पहले आ गया, चौकी के बाद है। मरे जा रहे हैं ना? भैया मरे जा रहे हैं मैडम आपसे पेंटिंग बनवाने के लिए। रात भर से सोए नहीं है, रात भर यही सोचते रहे कि कैसी बनेगी, कब बनेगी मेरी पेंटिंग। है ना भैया? She's right is the, मैं सोया नहीं, full night is the. स्वाभाविक से है। भाई ऐसी एंजाइटी होना जब एक महान पेंटर, फ्रांसीसी की चेली, पेंट्री चंद्रमुखी किसी की पेंटिंग बनाए तो भाई स्वाभाविक है कि रात भर नींद ना आएगी और एक्साइटमेंट सा रहेगा कि भाई एक महान दिन होगा ना भाई। देख थारे में ना एक बहुत खराब आदत से जो थारे एक्सप्रेशन लीक हो गए ना, यो सब अच्छा ना लगे, स्पेशली फॉर पैंट्री। तू एकदम स्टिल रहेगा, स्टिल हिलेगा कोई ना, एक पोज सोच ले कोई भी जो थारे को कंफर्टेबल हो, थारी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता वाला, जो भी बढ़िया वाला पोज हो तू वो पोज बना। हाँ यो सही है, कमर निकाल जरा और, हाँ गुड, ये यो सही है। अब ऐसे एकदम फ्रीज रहे, स्टिल, हिलना जरा भी नहीं है। फिर खराब बनेगी, फिर मन मत करना कि वो पेंटिंग मैडम को बनानी ना आवे।
सीधा खड़ा रहे स्टिल। ओ बिल्लू गोपी गोपी तेरी बात ना आ रही समझ में या फिर सीधा खड़ा रहे हिल मत। भैया कितने बेशरम आदमी हैं आप। जब मैडम कह रही है मत हिलो तो मत हिलो ना थोड़ी देर। मान नहीं रहा ना यो। गोलू यस मैडम। बेटा अपनी निकालियो जरा वो वाला तमंचा निकाल अपना। हाँ जरा इफ्तान इस पे। और अगर तो यो जरा सा भी मूव हुआ हिला जरा सी भी उसकी बॉडी में हरकत हुई तो हमारे से परमिशन लेने की जरूरत ना है। क्वाइटली गोली मार दो कोई बात नहीं। अबे क्या यार क्या मतलब क्यों किस लिए यार क्यों हल्ला कट रहा है। हाँ नमस्ते मैडम मैं सपेरा हूँ। तो हमारी मैडम क्या नागिन है। आइए जरा इधर आइए। खुद की शकल नेबले सी हो रही है यहाँ उपाधियां दे रहा खड़ा हुआ। सपेरे क्यों है यहाँ पे। देखिए मैडम मेरा नाम है राजेश अग्रवाल। नागिन मचा रही है बवाल क्योंकि उसका नाग जो है वो गायब है। जो, 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 जो। एक मिनट क्या। ओहो क्वाक 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 क्वाक। गणा जो है बाइट कालर नाम रखा है राजेश अग्रवाल है सपेरे का। यहाँ गया अपने नाक खोने की FIR लिखाना है तू। क्वाक 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 क्वाक। नहीं नहीं मैडम FIR नहीं मैं तो अपने नाक को ढूंढने आया हूँ। क्या है कि मैंने देखा है कि वो इसी तरफ कहीं आया है और वो हो ना हो किसी की पैंट के अंदर ही कहीं घूम रहा होगा। हैं क्यों भाई। अरे क्या न पैंट में क्यों इतना कॉन्फिडेंटली तू कैसे कह सके कि पैंट में ही घूम रहा हो किसी के। वो क्या है ना मैडम मेरा जो नाग है उसका नाम है पेंटू जहरीला। बड़ा जहरीला सांप है और मैडम किसी ना किसी के पैंट के अंदर घुस के ही काटता है इसलिए उसका नाम है पेंटू जहरीला। बाकी डिनर डिलीशियस है। मैडम यार एक रिक्वेस्ट है कि मैं अगर बीन बजा के ना मतलब कुछ म्यूजिक पे ये सब मेरी म्यूजिक पे डांस कर ले मतलब नाच ले तो हो सकता है वो बाहर आ जाए। वो ग्रुप डांस का बड़ा शौकीन है। प्लीज मैडम एक बार। अच्छा अच्छा नचा ले लेकिन यार डिस्टर्ब नहीं अपना आओ गोलू सोनी बिल्लू करो इसके संग कर लो। आ जाओ भैया आ जाओ मेरा काम हो जाएगा आ जाओ। अरे 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 पेंटू मिल गया मैडम पेंटू मिल गया। थैंक यू मैडम। अरे पेंटू अरे अरे
क्या हुआ, मिल गया सांप उसका? बहुत ही चलो गुड। हाँ भाई भाई, यो तो बन गया है ना, यो मैं तो इसे कहूंगी कि यो एक मास्टरपीस है। कभी जब मारे मरने के बाद कोई बड़ी एग्जीबिशन लगेगी ना, तो इसके लिए एक अलग वॉल होगी, एक कॉर्नर मास्टरपीस के लिए। अब मैं ठीक हो जाऊं जी? खड़ा खड़ा गुड, दिखाऊं? यो देख थारी पेंटिंग। ये मैं हूं। वाह शानदार पेंटिंग। मतलब अगर थारी कोई फोटो भी खींच लेना तो उतनी अच्छी ना आएगी जितनी वो पेंटिंग बन गई है। क्लियर एकदम, एग्जैक्ट तू। मतलब थारे से बेटर ही है, तो सुंदर ज्यादा है यो। तू इतना सुंदर ना है बट इट्स अ यंग एज का गोपी। थारी बाड़ी है ना ये जो कूले पड़ा रखे हैं नाबा डिस्ट्रिक्ट, यो है। हसलो हसलो, आने दो मॉम को, उनको बताऊंगा उनकी बनाई हुई पेंटिंग का कैसे उड़ा रहे हैं आप लोग मजाक इसदा, वो निकालेगी आपकी झाग इसदा। क्या भैया, आप भी जरा जरा सी बात का बुरा मान जाते हैं। आपको ये दिख जाता है कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देता कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। चल हट। जितना सम्मान मेरे दिल में आपके लिए है ना भैया, उतना समुंदर में पानी भी नहीं है। Really? उतने आसमान में बादल भी नहीं है। Are you sure? उतने आलू मटर की सब्जी में मटर भी नहीं होते जितनी इज्जत मैं आपकी करता हूँ भैया। बहुत हो गया समझी जी। अगर मुझे पता होता कि आप दो कौड़ी के सरक्षक उठाएगी रहे घटिया से भी घटिया तुच्छ की तरह के बादशाह हो, तो मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ छोप छोप कहीं के आदमी। कुछ हुआ था क्या भैया? तूने मेरा बहुत सम्मान किया, तूने मुझे बहुत इज्जत बख्शी। देखा ना आपने, मैं कितनी इज्जत करता हूँ मैं आपकी भैया। वाह मैडम, आपने क्या पेंटिंग बनाई उस पंचर बनाने वाले की। तो फिर बस क्या, ऐसी वैसी पेंटरी समझ रखा तुमने तो। अरे मैं तो महान पेंटर फ्रांसीसी की चेली हूं, कोई मजाक बात थोड़ी है। ओ बिल्लू। मैडम यस, ये एप्लीकेशन है, मुझे एक घंटे की छुट्टी चाहिए। क्यों? मौसी की शादी है कि फूफा गौना? गौना भी होगा और शादी भी होगी, लेकिन ना मौसी का गौना होगा ना फूफा की शादी, बल्कि मेरी शादी। हाँ वो क्या है कि दीदी ने ना मेरी शादी के लिए एक लड़की पसंद की है, और लड़की वाले मान भी गए मैडम, बस वो लड़की ने मुझे अभी तक देखा नहीं है, तो एक बार वो मुझे देख ले और उसे मैं अपनी फोटो भेज दूं और वो हाँ कर दे, तो फिर मैडम मेरी भी गृहस्थी बच जाएगी बस। अरे भाई दैट्स गुड यार, तो उसमें के बात से तू एक काम कर, अपना मोबाइल से फोटो खींच सेल्फी और भेज दे छोरी ने। yes! नहीं मैडम, वो क्या है कि ना लड़की को तकरीबन दिखता नहीं है। यो! मतलब उसको चश्मा लगाया हल्का सा मैडम, ग्लास थोड़े मोटे हैं, तो उन लड़की वालों ने बोला है कि एक बड़ी साइज का फोटो करवा के मैं भेजूं ताकि वो फिर इजीली मुझे देख पाए लड़की। यो बात है। अरे बिल्लू, बड़ी साइज का फोटो चाहिए ना, मैं थारी पेंटिंग बना देती हूँ। मैं थारी पेंटिंग बना के छोरी ने खुद भेजती हूँ उसके घर, फिर तू देख पेंटिंग देखते ही छोरी तेने सिलेक्ट कर लेगी। मुझे अपनी शादी नहीं तोड़वानी। क्या मतलब मैडम, आपको इतनी तकलीफ हो जाएगी, क्यों आप इतनी तकलीफ हमारे लिए उठाएंगे? मैं तो बस यूं गया फोटो खिंचवा के, यूं आ गया, एक मिनट का काम है। अरे क्यों बात होगी,
यो बात होगी ना, बस यो बात है। अरे तुम्हारा कुछ ना लगता, कुछ ना है तुम्हारा। अरे बिल्लू, मैं कोई इसमें तकलीफ वाली बात ना है, विथ प्लेजर मैं खुशी से बनाऊंगी। और समझ ले, एक बार वहां छोरी ने थारी पेंटिंग देखी तो यहां थारी शादी की सहनाई बजी। चला आजा, खड़ा हो, यहां खड़ा हो, एकदम स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट, थोड़ी हाइट लंबी लगनी चाहिए। कम ऑन, स्माइल, गुड गुड। अब शादी हो जाएगी।